जो भी उम्मीदवार बेसब्री से राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2023 के नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, अब उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। राजस्थान लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। RSMSSB बोर्ड अब कभी भी लैब असिस्टेंट भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर जारी करने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका महारा एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। राजस्थान में लैब असिस्टेंट की संभावित 1102 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। राजस्थान अधीनस्थ और कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही राजस्थान लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी करेगा। राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2023 के रिक्त पदों को भरने का लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब शॉर्ट नोटिस प्रकाशित होते ही अपना आवेदन कर सकेंगे। अंततः वे सभी उम्मीदवार जो राजस्थान लैब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आवेदन शुरू होने के बाद तैयारी करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी तैयारी को अभी से ही बेहतर बनाएं। राजस्थान लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 कितनी होगी सैलरी? राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2023 के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को प्रति माह 23,600 रुपए का मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही अन्य मेडिकल सुविधाएं और वेतन भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन? राजस्थान लेबोरेटरी असिस्टेंट भर्ती 2023 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सीनियर सेकेंडरी में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय में से कम किसी 3 विषय के साथ वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। राजस्थान लेबोरेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए क्या है एज लिमिट? राजस्थान लेबोरेटरी सहायक भर्ती 2023 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक होनी चाहिए। वही उम्मीदवारों की आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियम अनुसार छूट दी जाएगी। राजस्थान लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए क्या है एप्लीकेशन फीस? राजस्थान लैब असिस्टेंट रिक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के आधार पर अलग रखा गया है। सामान्य वर्ग, OBC और EWS के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपए है। वहीं SC और ST के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपए है। इस परीक्षा का शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग शुल्क मोड के माध्यम से ही करें। राजस्थान लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए क्या होगा एग्जाम पैटर्न? जो उम्मीदवार लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं, उन्हें 40% न्यूनतम योग्यता अंक के रूप में भर्ती से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात पेपर पास करने हेतु सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। परीक्षा का पेपर लेवल 12वीं का रखा जाएगा। पेपर में प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। परीक्षा समय अवधि 3 घंटे रखी जाएगी। परीक्षा में कुल 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए 2 पेपर करवाए जाएंगे। राजस्थान लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस? राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण है रिटर्न एग्जाम, वहीं दूसरा चरण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन और चौथा और लास्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ ही जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए महारो एग्जाम। नमस्कार।